सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज जराड एंड यू आर वाचिंग जराड गुम। सो गाइज गाड़ी के बारे में बात करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ महिंद्रा रॉयल मोटर्स को, जो कि सिचुएटेड है टालीगंज कोलकाता में। सो अगर आपको कोई भी महिंद्रा का गाड़ी चेकआउट करना है आप ये शोरूम पे जरूर आ सकते हो। शोरूम का सारा डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। सो गाइज आज जो गाड़ी हम लोग के सामने है ये है दी ऑल न्यू 2024 महिंद्रा बोलेरो, और ये जो वेरियंट है दिस इज द B6 वेरियंट। इसमें तीन वेरियंट आता है, B4, B6 एंड B6 ऑप्शनल। ये आपका नॉर्मल B6 वेरियंट है जो कि एकदम मिड वेरियंट आप बोल सकते हो। अगर मैं इसका एक शोरूम प्राइस के बारे में बात करूं गाइस, इसका एक शोरूम प्राइस अराउंड 10.10 लाख है ऑन, मतलब एक शोरूम ऑब्वियसली ऑन रोड आपके शहर के ऊपर डिपेंड करेगा। सो आज मेरे चैनल पे मैं आपको फुल इस गाड़ी का एक वॉकआउट दे दूंगा, आपको क्या क्या मिल जाता है इस वेरियंट पे। एंड गाइस बोलेरो गाड़ी है, सो ऑब्वियसली अगर आपका बहुत रूरल एरियाज में आपका रनिंग है देन तो भाई बोलेरो आपके लिए बहुत ही सही गाड़ी है। एंड अगर इंडियन रोड्स के लिए भी ये गाड़ी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि मतलब खड्डे फड्डे के लिए तो ये गाड़ी बेस्ट है। सो गाड़ी के बारे में बात करने से पहले मैं इसका चाबी आपको दिखा देना चाहता हूँ। सो ये कुछ आपको चाबी मिल जाता है, क्लासिक महिंद्रा का ट्विन पिक का लोगो है यहाँ पर। तीन बटन आपको यहाँ पर मिलता है गाड़ी लॉक करने के लिए, ये अगर आप प्रेस करेंगे आपका गाड़ी बीप करना लगेगा, एंड ये आपका गाड़ी अनलॉक करने के लिए। इसका जो सेकेंड की है ये आपको नॉर्मल सा मिलता है, कोई बटन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अच्छा चीज एक है कि इस गाड़ी में आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है। सो गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में अगर बात करूँ गाइस, सामने आप देख सकते हो यहाँ पर आपको महिंद्रा का यहाँ पर ग्रिल मिल जाता है ट्विन पिक के लोगों के साथ। यहाँ पर दोनों तरफ आपको क्रोम का हाउसिंग मिल जाता है एज यू कैन सी, बट ये जो पार्ट है ये सब पार्ट आपको ग्लॉस ब्राउन में मिलेगा। हेडलाइट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, हेडलाइट्स आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर सेटअप में हैलोजन सेटअप मिलता है। LEDs में आप अपग्रेड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका मतलब पार्किंग लाइट हैलोजन में, एंड यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है हैलोजन में। मैं अभी एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ, साफ देख सकते हो हैलोजन में आपको दिया गया है। इस वेरिएंट पे आपको कोई फॉग लाइट्स नहीं मिलेगा, बट एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हो फ्रॉम महिंद्रा, सो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सो सामने का लुक आपको कैसा लगता है बोलेरो क्लासिक का, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कमिंग टू द साइड ऑफ द कार गाइस, आप देख सकते हो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा है बोलेरो क्लासिक का। व्हील्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, यहाँ पर आपको स्टील व्हील मिलता है, आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है सामने ABS CVT के साथ, एंड सस्पेंशन लेवल आप देख सकते हो भाई एकदम मतलब ये हार्डकोर SUV है। सो सस्पेंशन भी आपको वैसा ही मिलेगा, सो एकदम कोई भी आपको दिक्कत होगा नहीं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा फेंडर पे जो कि आपका हैलोजन फिनिश में है। यहाँ पर ORVMs जो है वो आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगा, सो आपको कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट ये सब नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका एंटेना, आप लोग देख सकते हो। डोर हैंडल्स आपको कन्वेंशनल मिलता है, कोई पुल टाइप नहीं मिलेगा, सो आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। अभी बोलेरो क्लासिक का जो मेन चीज है आप बहुत सारा बोलेरो में देखेंगे वो है कि इसका जो हिंजेस है वो आपको बाहर मिलेगा, सो एक स्टर्डी लुक देता है गाड़ी को। यहाँ पर आपको साइड स्टेप मिल जाता है जो कि कंपनी फिटेड है। यहाँ पर बी पिलर ये सब तो आपको सब बॉडी कलर में मिलेगा, सनरूफ तो आप मत पूछिए, सनरूफ नहीं मिलता आपको इस गाड़ी में। कमिंग टू द रियर व्हील्स गाइस, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है, इसमें भी आपको ABS CVT मिलेगा, बट पीछे का जो सस्पेंशन आप देख सकते हो पीछे आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा। जिसका एक चीज क्या है, अगर पीछे जो लोग बंदे बैठते हैं ना उसको थोड़ा मतलब उन लोगों को थोड़ा मतलब ऐसे बाउंसी फीलिंग लगेगा। इस गाड़ी में आप लोड करके जाइए, लोड में क्या होता है लीफ स्प्रिंग का सस्पेंशन बेटर रहता है। एंड बॉडी ग्राफिक्स आप देख सकते हो गाड़ी के हर तरफ आपको मिल जाएगा। अभी चलते हैं गाइस गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। सो रियर प्रोफाइल कुछ ऐसा है B6 वेरिएंट का। इसका जो खास चीज मुझे लगा कि आपको यहाँ पर रियर वाइपर मिल जाता है वॉशर के साथ, हाई माउंट स्टॉपलैम मिल जाता है, पीछे भी आपको यहाँ पर ये फुल टाइप मतलब डोर हैंडल मिल जाता है। यहाँ से आप ये जो बूट है आप लॉक कर सकते हो। यहाँ पर टेल लाइट्स आपको हैलोजन सेटअप में मिलता है एज यू कैन सी। यहाँ पर ये ब्रेक लाइट है, नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा ब्रेक लाइट, ये आपका रिवर्स लाइट है, ये आपका टर्न इंडिकेटर है। सो सब आपको हैलोजन में मिलेगा। पीछे आपको दो पार्किंग सेंसर मिलता है गाइस, एक यहाँ पर है एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको फुटस्टेप मिल जाता है गाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए। अब इसका बूट अगर मैं ओपन करूँ गाइस, बूट मतलब ऐसे ही ओपन होता है आपका, एकदम फ्रंट फेसिंग बूट है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिल जाता है आप देख सकते हो जो कि आपका बेज कलर में है। यहाँ पर आपका डोर अनलॉक लॉक करने के लिए, एंड यहाँ पर बूट स्पेस आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर तभी चीजें रखा हुआ है, बट यहाँ पर आपको फ्रंट फेसिंग सीट्स मिलता है। एक बंदे के लिए ये काफी है गाइस, दो बंदे यहाँ पर फिट नहीं होंगे, बट अगर आपको बूट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो आप इसको फोल्ड कर सकते हो जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हो। सो उसके लिए आपका बूट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। सो चलिए गाइस अभी करते हैं बूट बंद एंड चलते हैं रियर सीट पे। सो रियर डोर अगर मैं ओपन करूँ गाइस, अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फुल बेज इंटीरियर मिलता है, पावर विंडो का स्विच है यहाँ पर, डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक पे मिलता है, एंड यहाँ पर मतलब ये सिर्फ पैडिंग है गाइस, ज्यादा आपको यहाँ पर ज्यादा क्वालिटी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। कमिंग टू द सीट्स आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, एंड यहाँ पर बीच में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिलता है, एंड फुल सीट आपको फैब्रिक फिनिश में मिलेगा, कोई लेदर ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। सीट बेल्ट आप देख सकते हो भाई, हर आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट आपको नहीं मिलेगा इस गाड़ी में, एंड ओवरऑल सीट का जो क्वालिटी है कम्फर्ट है काफी अच्छा ही है। सो चलिए गाइस अभी बैठते हैं अंदर एंड एक बार इंटीरियर चेकआउट कर लेते हैं। सो थोड़ा चढ़ के आपको ऊपर बैठना पड़ेगा। सो डोर्स करते हैं गाइस बंद
इंटीरियर के बारे में अगर बात करूं गाइस, ये जो सीट है दिस इज पुश्ड ऑल द वे बैक एंड मुझे इतना सा लेग रूम मिल रहा है, मतलब नेक्स्ट टू नॉन एग्जिस्टेंट मैं अगर बोलूं। अंडर थाई सपोर्ट भाई काफी अच्छा है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है अंडर थाई सपोर्ट में। यहाँ पर बीच में ऑब्वियसली आपको कोई एसी वेंट ये सब नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एक पॉकेट मिलता है। यहाँ पर चौराई के बारे में अगर बात करूँ गाइस, दो बंदे तो बैठ सकते हैं आराम से, तीन बंदे भी बैठ सकते हैं, बट बीच वाला बंदे के लिए आपको कोई हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा एक डोर हैंडल बट कोई हुक नहीं है, यहाँ पर भी आपको डोर हैंडल मिलता है, कोई हुक आपको नहीं मिलेगा। हेडरूम के बारे में अभी बात करते हैं गाइस, हेडरूम भाई काफी अच्छा है क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये एक एसयूवी है, हेडरूम में तो कोई समस्या नहीं है आप देख सकते हो। एंड ओवरऑल सीट का जो क्वालिटी है, कंफर्ट है, वो भी काफी अच्छा है, रिक्लाइन एंगल भी काफी अच्छा है। एंड ओवरऑल अगर आप बीच वाले सीट में बैठेंगे ना, आपको एक कमांडिंग व्यू सामने में मिलेगा। सो मुझे तो भाई ऊपर सब कुछ दिख रहा है सामने, ऐसा कमांडिंग व्यू आपको और कोई गाड़ी में तो नहीं मिलेगा भाई। सो मेरे लिए तो भाई थम्स अप है ये गाड़ी एट द बैक। सो चलते हैं गाइस अभी सामने। सो सामने तो भाई बहुत ही बेसिक गाड़ी है ये, फिर भी आपको क्या क्या मिल जाता है सामने, मैं अभी जाके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस फ्रंट डोर अगर मैं ओपन करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर बेज इंटीरियर मिलता है, डोर पैड काफी यहाँ पर सिंपल सा आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे डोर हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा पॉकेट, आप यहाँ पर अपना फोन ये सब रख सकते हो एंड यहाँ पर भी आप कॉइन ये सब रख सकते हो। सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, यहाँ पर आपको डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, साइड पोस्टिंग ठीक ठाक ही है, ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल से आपको यहाँ पर सीट दिया गया है, यहाँ पर आपको मिलेगा हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस एंड यहाँ पर आपका जो ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। सो चलिए अभी बैठते हैं अंदर गाइस, एक बार इंटीरियर चेकआउट कर लेते हैं, सिटिंग इनसाइड द बोलेरो इज अ टास्क। सो करते हैं डोर बंद। सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ द महिंद्रा बोलेरो B6 वेरियंट। अभी भाई थोड़ा इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, क्या बोलते हो? सो एक बार स्टार्ट भी कर लेते हैं इस गाड़ी को। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द कार। सो एकदम मतलब आपको लगेगा कि ये डीजल गाड़ी है गाइस, क्योंकि एकदम मतलब वाइब्रेशन होकर स्टार्ट होता है। सो कमिंग टू द इंटीरियर गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर डुअल फिनिश मिलेगा, ये आपका बेज है, यहाँ पर थोड़ा आपको ऑफ वाइट टेक्सचर में यहाँ पर फिनिश मिलेगा। ग्लव बॉक्स भाई बहुत छोटा है, कोई भी आप यहाँ पर कूलिंग फंक्शन या लाइट आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, आपका छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स फिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल एसी वेंट्स, इस वेरियंट पे आपको यहाँ पर ये इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जहाँ पर आपका ये नॉर्मल सब मतलब रेडियो फिर आपका ब्लूटूथ ये सब मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारा आपको ट्यूनर सेटिंग मतलब वॉल्यूम का सेटिंग यहाँ पर दिया गया है एंड यहाँ से अपना जो ट्यूनर है वो सब आप सेटिंग कर सकते हो, चैनल का सेटिंग यहाँ पर है। इस गाड़ी में ऑब्वियसली आपको मैनुअल एसी मिलेगा, सो ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, एसी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो एंड ये आपका डिफॉगर स्विच है। नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एक पॉकेट है यहाँ पर, यहाँ पर आपको मिलेगा आपका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। भाई इसका जो गियर शिफ्ट है ना भाई एकदम रबड़ी है आप देख सकते हो, सो ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कम्फर्ट इस गाड़ी में। डुअल कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंडब्रेक है, पावर विंडो का सब स्विचेस आपको यहाँ पर मिलेगा एंड विंडो लॉक का स्विच है, वही आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा इस गाड़ी में। ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर मैनुअल डिमिंग आरपीएम, एज यू कैन सी वाइजर में आपको यहाँ पर मिलेगा कुछ भी नहीं, मतलब लाइट या मिरर आपको नहीं मिलता है एंड इस तरफ भी आपको सेम ट्रीटमेंट ही मिलता है। हाँ गाइस कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। स्टीयरिंग व्हील भाई आपको बेयर बोन्स मिलता है, कोई ज्यादा आपको यहाँ पर बटन फटन नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो महिंद्रा का ट्विन पिक का लोगो है, डुअल एयरबैग्स आर स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, सामने दोनों तरफ आपको एयरबैग्स मिल जाएगा। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑल डिजिटल मिलता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो एंड यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये एवरेज फ्यूल कंजम्पशन ये सब आपको यहाँ पर दिखा रहा है, जो आप यहाँ से सेट फेट कर सकते हो एंड यहाँ पर जो स्क्रीन है वो गाइज आप देख सकते हो, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो बहुत सारा। सो एज यू कैन सी किलोमीटर पर आवर, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ओडो रीडिंग, सो यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका आरपीएम लेवल, यहाँ पर आपको मिलेगा आपका फ्यूल लेवल, या आपका कूलेंट मतलब जो गाड़ी का जो इंजन टेम्परेचर है वो आप यहाँ से देख सकते हो। एंड ओवरऑल जैसे कि मैंने आपको बोला था हैजल लाइट का स्विच है यहाँ पर एंड यहाँ पर आपको सब इन्फॉर्मेशन दे देगा, मतलब आप देख सकते हो ज्यादा कुछ है नहीं। विजिबिलिटी भाई गाड़ी का शानदार है, आप मतलब बैठ के आप देख सकते हो, ये जो मेरा ड्राइविंग व्यू है मुझे सब कुछ दिख रहा है, बोनेट इज इजिली विजिबल, सो शहर में भी चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस गाड़ी को। पीछे का भी विजिबिलिटी इज गुड एंड पीछे चंद्रचूड़ सीटिंग, यस सो एज यू कैन सी विजिबिलिटी ठीक ठाक है एंड साइड का विजिबिलिटी इज गुड, बट आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा ये सीट्स, आपको और कोई एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। सो गाइज ये था मेरा डिटेल्ड इंटीरियर रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू 2024 महिंद्रा पोलेरो क्लासिक B6 वेरिएंट। सो अगर आपको इंटीरियर रिव्यू पसंद आया गाइज, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, थम्स अप है, बिकॉज इट विल रियली हेल्प द वीडियो एंड ऑल्सो द चैनल। सो गाइज दिस वॉज माई डिटेल रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू 2024 महिंद्रा पोलेरो क्लासिक B6 वेरियंट। एक शोरूम प्राइस तो मैंने आपको बता दिया था, अभी ऑन रोड में अगर पकड़ू देन आपका तकरीबन 11.5 लाख तक ये गाड़ी आ जाएगा। एंड अगर आपको भाई एक हार्ड कोर एसयूवी चाहिए एंड थोड़ा रेट्रो लुक्स चाहिए देन तो भाई ये बोलेरो क्लासिक आपके लिए गाड़ी है। एंड अगर आपको भाई थोड़ा प्रीमियमनेस चाहिए वो सब आप एक्सपेक्ट मत कीजिए ये गाड़ी में, क्योंकि ये एकदम हार्ड कोर एसयूवी है।
सो गाइज आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करना मत भूलिए, विचित्र थम्स अप, ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन चाओ।